यादव 20 महीने हुए हैं उनके डेब्यू हुए हुए, उस 20 महीने में ही इज द नंबर वन बैटर राइट नाउ, द T20 बैटर. और अभी जिस तरह वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, 193 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव. और जिस तरह आपने बेन स्टोक्स का बताया, ऑनेस्टली जब एनालिटिक्स बैठते होंगे, एनालिस्ट बैठते होंगे, एनालिटिक्स ढूंढने की कोशिश करते होंगे, तो उनको समझ ही नहीं आता होगा कि कौन सी जगह जाइए फंसता होगा, किधर बॉल फेंके कि ये उसको अपने फेवर में बना के ना हो जाए. सो और फिर उसके बाद अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो कि बीसीसी टीवी पे भी चला, बीसीसीआई टीवी पे भी चला, तो प्रोसेस, मतलब हम ये बात करते हैं कि इट्स नेवर इजी फॉर एनीवन टू प्ले एट एन एलियन कंडीशन एंड जस्ट डोमिनेट दैट. और जो पूरा प्रोसेस बताया सुशांत, दैट इज कमेंडेबल. नहीं, उनका राहुल द्रविड़ से उस दिन आए थे तो हमने यही पूछा था कि सूर्या के बारे, हर इंसान से हम सूर्या के बारे में पूछ रहे हैं बिकॉज हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं. Yes. ऐसी बैटिंग वो करते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं एक्चुअली, आईपीएल में तो करते ही थे उनको सवेरा. एक तो बात यह कि चांस बहुत लेट मिला, जब Yes. तक कलेश नहीं हुआ ना, लिटरली पंजाबी का वर्ड यूज करूंगा कि जब तक कलेश नहीं किया गया जर्नलिस्ट द्वारा, यहाँ पे हमारे यू नो आवाम द्वारा, पब्लिक के थ्रू, के भाई इस लड़के को कब लोगे, लड़का Yes. भी नहीं रहा तो 30 साल का हो गया, वो उसको कब खिलाओगे, कोई नहीं करा उसने अभी तक. और आईपीएल में वो एक के बाद एक मुंबई इंडियंस को ऐसे ऐसे मैच जिताता था वो, और T20 स्पेशलिस्ट तो बहुत ज्यादा हो गया था. फिर अल्टीमेटली इन्होंने चांस दिया और अब आप देख रहे हैं रिजल्ट्स आपके सामने. बट अभी भी मैं बोलता हूँ सेमीफाइनल और फाइनल में असली हमें उनके रन चाहिए. सेमीफाइनल और फाइनल में जैसे मुंबई को जिताते आईपीएल, वैसे हमें उनके रन चाहिए. और राहुल द्रविड़ से जैसे मैं बता रहा था, आपने उनसे पूछा, तो राहुल द्रविड़ ने जैसे प्रोसेस की आप बात कर रही है, उन्होंने बोला आप 2 साल पहले के सूर्य कुमार यादव को देखो और अब आज Yes. के सूर्य कुमार यादव को देखो, फिटनेस में जो फर्क आपको दिखेगा ना, दैट इज द रीजन फॉर हिज सक्सेस. एंड विराट कोहली भी देखो, विराट कोहली की फॉर्म जरूर डिप हो सकती है लेकिन उसने फिटनेस कभी नहीं गिरने दी. और सूर्य कुमार यादव के नाम से याद रखा जाएगा. पिछले एक साल में अगर मैं सूर्य कुमार यादव को देखता हूँ, जिसमें उनकी 8 50 है और एक शतक उन्होंने लगाया, वो शतक यकीनन इंडिया की शिकस्त में आया, मगर एक शतक आया. साउथ अफ्रीका का बाबर का सॉल होते हैं ये, जो गैर मकामी बोलर थे, जो एक भी अभी ये पता है, सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड में एक बड़े खतरनाक मैच में सेंचुरी की. और जो दूसरा और अहम, जो अहम बात है उनकी, 27 इनिंग के अंदर जो 2022 में खेली गई, जिसमें 965 रन, 117 हाईएस्ट है, जो वासिम बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड उनका आया था. 42 का इनका एवरेज है, 189 का स्ट्राइक रेट है, 20% डॉट बॉलें खेलते हैं ये, 45 इन्होंने चौके मारे और 55 छक्के मार चुके हैं. यार नंबर 4 आप जब जब, जैसे 10 नंबर के बारे में कहते हैं ना कि यार वो जनाब 10 नंबर जो है वो सेंटर फॉरवर्ड का होता है, या 7 नंबर रोनाल्डो के नाम से, 18 नंबर किसको होता है ये याद रख लेना, 18 नंबर ही जो है ना ये ट्रॉफी तक ले जा रहा है. अपना 10 है ना 7 है, अब सिर्फ 18 है. और ये पिछले कई सालों से लोगों ने